गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बीए सेकंड ईयर की जो हमारी बुक है भारतीय राजव्यवस्था, इसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हम दो भाग पढ़ चुके हैं। आज हम मंत्रिपरिषद और उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। कल मैं आपको पीछे के हमारे जो दो वीडियो है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम मंत्रिपरिषद और उप प्रधानमंत्री है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78, इन तीनों में मंत्रिपरिषद है उसकी विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम मंत्रिपरिषद है इसके बारे में है वो जानकारी हासिल करेंगे। मंत्रिपरिषद है इसमें मंत्रियों की श्रेणी, जो मंत्री है कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मंत्रियों की जो श्रेणी है कितनी श्रेणी के मंत्री होते हैं, तीन श्रेणी के मंत्री होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रियों की श्रेणी कितनी होती है या मंत्री है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में मंत्री है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले है कैबिनेट मंत्री, दूसरे है वो राज्य मंत्री, और तीसरे है वो उपमंत्री। तीसरे है कौन से, उपमंत्री। इन बातों का ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद है मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती है, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे है राज्य मंत्री, इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। राज्य मंत्री होते हैं, उनके पास अगर किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं है तो राज्य मंत्री को उस विभाग का क्या मिल जाता है, स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है। और तीसरे होते हैं उपमंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्रियों के स्तर होते हैं। अब मंत्रिमंडल, काफ़ी बार क्वेश्चन वो पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, मंत्रिमंडल मूल संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है क्या, तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल का सिर्फ मूल संविधान का अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल है इसका प्रयोग किया गया है क्या, तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1978 में। और जब 44वां संविधान संशोधन, इस समय देश के प्रधानमंत्री है वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई के समय है वो संविधान में 44वां संशोधन किया गया। कब किया गया, 1978 में। और प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन, मोरारजी देसाई। तो मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग हुआ है जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में, अनुच्छेद 352 में क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और उस समय हमारे देश में 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लगा था, अब हालांकि उस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और वहां पर क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया है। तो मूल क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है क्या, तो नहीं किया गया है। कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1978 में। प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और आ जाए क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, मोरारजी देसाई। और उनके समय अनुच्छेद 352 में जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और उसमें मंत्रिमंडल शब्द है इसका प्रयोग किया गया था। और इसमें तीनों को अब मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो सिर्फ जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, इन्हें क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। इसमें कहा गया था कि अब अगर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की, इस शब्द को जोड़ा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की
लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत क्या लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 में आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये जोड़ा गया कि अब अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो उसमें केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका क्या गणना करेगा, लिखित में राष्ट्रपति को परामर्श देना होगा, तभी अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ये हम पहले जो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल उसमें पढ़ चुके हैं, पर इस बात का हमारे को ध्यान रखना है, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पहली बार इसका सिर्फ एक मात्र अनुच्छेद 352 में, और कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इस बात का ध्यान रखना है। तीनों को सामूहिक रूप से जो ये तीनों मंत्री है हमने पढ़े, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था अनुच्छेद जो 75, कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद जो 75(5) है उसमें हमने पढ़ा था, और इसको एक जोड़ा गया था अनुच्छेद 75(1) क, कल हम चर्चा कर चुके हैं अनुच्छेद 75(1) क जो मूल में नहीं था परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसको जोड़ा गया था, और इसमें अधिकतम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, तो लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, न्यूनतम का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो मंत्रिपरिषद तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, और ये मंत्रिमंडल है ये किनको कहते हैं, कैबिनेट मंत्री को कहते हैं, और मंत्रिमंडल का संविधान मूल संविधान में प्रयोग नहीं हुआ, कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, इस बात का ध्यान रखना है। तो मंत्रिपरिषद है, इसमें किसको कहा जाता है, मंत्री कैबिनेट जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हमने पढ़ लिया, ये मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जब किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं हो, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री या राज्य मंत्री जब किसी भी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं हो, तो अगर किसी राज्य मंत्री को उसका प्रभार सौंप दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो है वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कहलाते हैं, राज्य मंत्री को उसका स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। मूल संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का ये मैं बता चुका हूँ, मूल संविधान में सिर्फ मंत्रिपरिषद है इसका उल्लेख है, इसकी ये तीन श्रेणियाँ हैं, मंत्रिमंडल शब्द है इसका उल्लेख नहीं था, इसको जोड़ा गया, ये बात हमने कर ली है। उप प्रधानमंत्री, अब इसके बाद हमने ये मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उप प्रधानमंत्री संविधान में इस पद का उप प्रधानमंत्री है, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है, आ जाइए कि संविधान में उप प्रधानमंत्री पद है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यह कहाँ किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है, संविधान में उप प्रधानमंत्री है इसका उल्लेख वो नहीं है। फिर भी कुछ लोग संविधान में हालांकि उप प्रधानमंत्री पद है इसकी व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु इस बात का ध्यान रखना है, फिर भी कुछ भारत के ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो उप प्रधानमंत्री पद है इसको क्या कर चुके हैं, सुशोभित कर चुके हैं। इन बातों का हमारे को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी कुछ लोग है इस पद पर क्या किए हैं, पद ग्रहण किया या उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, हालांकि संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया, ये भी एक मंत्री होता है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री पद है इस पर है वो रह चुके हैं या उप प्रधानमंत्री पद है इस पर कार्य कर चुके हैं। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित नेहरू थे, और ये 15 दिसंबर 1950 तक रहे थे 15
1950 तक रहे थे, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे अगर कोई रहे तो हमने पढ़ा था प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या रह चुके थे, उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, और उस समय वो प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थे। काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई है उस समय किसके समय ये है वो उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो किसी समय उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, और ये 1967 से लेकर 1969 तक, 1967 से लेकर 1969 तक, जब लाल बहादुर शास्त्री है इनकी विदेश में मृत्यु होने के बाद में प्रधानमंत्री कौन बने थे, इंदिरा गांधी, और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, मोरारजी देसाई को बनाया था, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरे थे तो कौन थे, मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हुए, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह हुए, जगजीवन राम है, बाबू जगजीवन राम, ये दोनों ही एक साथ में उप प्रधानमंत्री रहे थे, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, और उस समय दोनों ही व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री पद के रूप में क्या किया था, कार्य किया था, और यह वो चौधरी चरण सिंह है वो वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे वरिष्ठ, और बाबू जगजीवन राम है वो क्या थे, कनिष्ठ थे, इस बात का ध्यान रखना है। अजय किशन की मोरारजी देसाई के समय वो दो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था, तो ध्यान रखना चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, इसमें से वरिष्ठ कौन थे तो चौधरी चरण सिंह, और कनिष्ठ कौन थे तो कौन थे, मोरारजी देसाई, इस बात का ध्यान रखना है। और ये 24 जनवरी 1979 तक रहे थे दोनों ही, उसके बाद में मार्च 1977 से लेकर 24 जनवरी 1979 तक रहे थे, उसके बाद में उप प्रधानमंत्री है यशवंत राय चौहान है वो 1979 से 1980 तक, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे तो चौधरी चरण सिंह थे, कौन थे, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी लोकसभा की बैठक का सामना नहीं किया वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी या मोरारजी देसाई के त्याग पत्र देने के बाद में अगर प्रधानमंत्री बने तो चौधरी चरण सिंह बने थे, और उनके समय उप प्रधानमंत्री कौन थे, YS चौहान या यशवंत राय चौहान थे। अगले उप प्रधानमंत्री है वो देवीलाल, और चौधरी देवीलाल है दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कितनी बार रह चुके हैं, दो बार इनका प्रधानमंत्री 1989 से लेकर, इनका उप प्रधानमंत्री का समय है 1989 से लेकर 1991 तक, और दो प्रधानमंत्रियों के समय कौन कौन, एक वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे थे चंद्रशेखर, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ हम एक ये चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, दो प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर देवीलाल एक ऐसे व्यक्ति है जो दो प्रधानमंत्रियों के, एक वीपी सिंह दूसरे चंद्रशेखर, दो प्रधानमंत्रियों के साथ में ये उप प्रधानमंत्री के रूप में है वो कार्य कर चुके हैं। अगले उप प्रधानमंत्री है वो है लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी है इस समय ये जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और कब से कब तक रहे थे ये, 2002 से लेकर 2004 तक, 2002 से लेकर 2004 तक। तो ये भारत के व्यक्ति है, हालांकि उप प्रधानमंत्री जो पद है
इसकी संविधान में संविधानेतर है, संविधान में इनकी कोई व्यवस्था नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उपप्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, यही भी ये अपने आप में एक मंत्री होते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले, दूसरे मोरारजी देसाई, तीसरे चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, चौथा है यशवंतराव चव्हाण, पाँचवा देवीलाल और छठा है लालकृष्ण आडवाणी। ये इतने व्यक्ति है, ये सात व्यक्ति है, ये भारत में उपप्रधानमंत्री पद है इसको क्या कर सुशोभित कर चुके हैं, इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। और आगे की क्लास में हम आगे की जो जानकारी है वो हासिल करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहे। अब वापस हमने हमारी क्लास है काफ़ी दिनों के बाद में पुनः शुरू की है, तो इनको ध्यान लगा के देखें। और कंपटीशन जो एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनकी मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सुविधा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।